अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनाने की रेसिपी। लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था जी कि मेरा चॉपर टूट गया है, और ये था जी मेरे फूड प्रोसेसर के साथ का चॉपर, और इस तरह से ये टूट गया। अब ये उसका चॉपिंग वाला पार्ट था, वो मुझे कहीं से मिला नहीं, तो मतलब ये चॉपर जो था ना मेरे काम का नहीं रहा था। और चॉपर के बगैर आजकल की ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब काम ही हम चॉपर से ही कर रहे होते हैं। तो चॉपर मुझे एक चाहिए था, तो फिर मैंने एक चॉपर ऑनलाइन ऑर्डर किया। बहुत सारे क्वेरीज़ के बाद, बहुत सारे फाइंड आउट करने के बाद मुझे ये अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैं मंगवा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लेके मंगवा लिया। और एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसका रिव्यू वगैरह भी सारा शेयर कर दूंगी। तो यह था जी पार्सल मेरा, इसमें अच्छी तरह से पैक करके उन्होंने भेजा था, पैकिंग अच्छी हुई थी। फेसबुक का पेज था, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, चॉपर जो था ना मेरा, जो फूड प्रोसेसर का टॉप के साथ का था, वो चॉपर जो था वो काफ़ी छोटे साइज़ का था, लेकिन ये कि फिर भी अच्छा मेरा काम चल जाता था। जो एक दफ़ा मैं ना करे, मैं दो दफ़ा मैं कर लेती थी। उसके अलावा मैं जो मेरी मशीन है आटा गूंदने वाली, उसके साथ भी थोड़ा बहुत मतलब जो कबाब वगैरह बनाने की मिक्सिंग है वो मैं कर लेती थी, लेकिन चॉपर मस्त था। और चॉपर ही फिर मैंने मंगवाया, तो मैंने बड़े साइज़ का ही मंगवा लिया, क्योंकि बड़े साइज़ का जो है ना वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। इसका चॉपर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ना आप कीमा भी बना सकते हैं, गोश्त का कीमा बना सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्लेड्स बहुत तेज़ दिए हुए हैं। तो ये जो था चॉपर, यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करी थी, और एक वीडियो में ना इंशाल्लाह मैं इसका कंप्लीट सारा आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह से इसकी वर्किंग है। तो इस तरह का ये स्टील बाउल में दिया हुआ था चॉपर, और उन्होंने 1 वीक की वारंटी दी थी, मतलब अगर मशीन घर पहुँचने के बाद चले नहीं तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करना था कबाब बना के रखने थे बीफ के, तो मुझे इसके लिए तो चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं चेक भी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मेरे हाथ गीले थे, क्योंकि मैं साथ साथ बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, तो मैं इसको ना थोड़ी स्टील बॉडी में, तो मैं खुद अपने ऑन द सेफ साइड रनिंग के लिए थोड़ा सा मैंने कपड़े के साथ इसको टच करी थी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। कीमे में ना कुछ मैंने फ़ैट का पोर्शन लिया है, या ऑलमोस्ट 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है, उसमें मैंने फ़ैट लिया है, ऑलमोस्ट 20% तक फ़ैट होगा। उसके बाद इसमें मैं ये डाल रही हूँ कबाब मसाला पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1-1 चम्मच डाल दें। और उसके बाद आपने डालना है किया हुआ धनिया 2 चम्मच के करीब, ज़ीरा पाउडर आपने डालना है, उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून डालना है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है, और इसके बाद ये सारे मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्याज ये मैंने यहाँ पे पहले ही चॉप कर लिया था इसी चॉपर से, इसका मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया है, वो आपने डालना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और उसके बाद टमाटर भी मैंने चॉप करके रखे थे, उनके सीड्स निकाल के चॉप करके रखे हुए हैं, वो आपने उसमें डालने हैं ऑलमोस्ट 1 कप के करीब। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग इसमें अंडा डाल देते हैं, लेकिन मैं जिस मेथड से आपको बता रही हूँ मैंने इसमें अंडा भी नहीं डाला, लेकिन इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे मसाले आपने डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब मैंने सारे मसाले जो है ना वो डाल दिए इसी चॉपर में, इसके साथ मैं चॉप कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया डाल दिया है, ये टमाटर मैंने चॉप करके रखे हुए थे ये मैंने इसमें डाल दिए। इसका सारा जो रिमूव करना है अपने इसका लिक्विड पोर्शन, इससे ना आपके कबाब टूटते नहीं हैं। इसमें मैंने सारा लिक्विड पोर्शन रिमूव करके इसका डाल दिया है, अच्छे से मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला जी आटा, इसमें मैंने मकई का आटा डाला है ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच के करीब, आप कह सकते हैं 1/2 कप मैंने इसमें डाला है। और मकई का आटा थोड़ा बाइंडिंग के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मकई का आटा यूज़ होता है। तो बेसिकली मैंने इसमें जो ऐड किया है मकई का आटा फ्लेवर के लिए, उसमें मैंने थोड़ा सा आटा भी ऐड किया है ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है, और बाकी मैंने 1/2 कप इसमें डाला है मकई का आटा, और ये 1.5 किलो कीमा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद एक दफ़ा फिर से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें 2-3 स्पीड्स दी हुई हैं, 2 स्पीड्स हैं इसकी, लोअर हाई और एक मिक्सिंग की स्पीड है, और मतलब अच्छा सा जो है ना ये चॉप हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है इसमें ये सारा काम। और इसकी इंशाल्लाह मैं सारी वर्किंग की वीडियो भी बनाऊँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, यहाँ पे आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से टमाटर डाले थे, टमाटर जो है ना लास्ट में कुछ लोगों पर मतलब एक
टमाटर के साथ गार्निश करके और कबाब को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं करूँगी। मैंने उसके ऊपर ना थोड़े से चॉप करके, मोटे मोटे से चॉप करके टमाटर डाल दिए हैं बाद में। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका बैटर रेडी हो चुका है। अब ये सारा मैं एक बाउल में निकालूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक बाउल और इसके बाद आपने लेना है एक अंडा। अंडा मैंने इसमें कच्चा ऐड नहीं किया है, जो बाइंडिंग के लिए करते हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया, इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई नमक मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सब इंग्रेडिएंट्स पहले ऐड कर दिए हुए हैं। अब आपने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है, और फ्राई करके आपने ये अंडा जो है ना वो ऐड कर देना है इस मसाले में। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जितने में अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी, और उसके बाद मैंने इसको इसको ऑमलेट की तरह का फ्राई कर लेना है। और उसके बाद ये अंडा आपने ना चॉप करके डाल देना है, जो आपका सारा मसाला कीमे वाला रेडी है आपने उसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऑथेंटिक जो चपली कबाब बनाने की रेसिपी है, मैं उसके साथ इसको बना रही हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। और इसमें ना अभी ये अंडा ऐड करने से और इसमें साथ थोड़ा ज़ाहिर है ऑयल भी होता है, तो उससे ना बहुत ही नरम बन जाएंगे। दूसरा, फैट पोर्शन आपने इसमें लेना है ताकि कबाब आपके नरम बने। और अगर आपके पास फ़ैट नहीं है, मतलब आप रेगुलर कीमा ले रहे हैं, तो आप इसमें ना थोड़ा मक्खन या घी ऐड कर दें इस पॉइंट पर, और उसके साथ आप अच्छे से मिक्सिंग कर दें, तो उससे भी ना थोड़ा अच्छा सा मॉइस्चर उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद बस मैंने इस तरह से चॉप किए टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। साथ मैंने ऑयल रख दिया है शैलो फ्राई करने के लिए, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है गर्म करने के लिए, रख दिया है, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा टाइम दे दें, 20 से 30 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राई कर लें तो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसके बनाने हैं जी कबाब। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े लंबाई में बना सकते हैं, जिस तरह से आपको शेप पसंद आया बना सकते हैं। बस इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको करना है। और मैं कबाब को ना हमेशा जो है ना वो दरमियाना सा रखती हूँ, बहुत मोटा नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो वो श्रिंक हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है कबाब आपका, दूसरा ये कि अंदर से सही से कुक नहीं होता है, और इसलिए मैं इसको ना इस तरह से रखा है। आप थिकनेस इसकी देख सकते हैं। और यहाँ पर बस मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जब ऑयल आपका अच्छा सा गर्म हो जाए उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से जल्दी से पक जाएगा या ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आपको मिलेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे जब आप पकाएंगे तो ये अंदर तक अच्छे से टेंडर हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार आपके कबाब बनेंगे। और बहुत इजी ये रेसिपी है, और जो कबाब आप ने बनाने हैं बना लें, यूज़ कर लें। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप इसी तरह से इसकी टिकिया बना के किसी ट्रे में बिल्कुल स्ट्रेट रख लें, और उसके ऊपर कवर करके थोड़ा सा उसको फ्रीज़ कर लें ओवरनाइट के लिए, और सुबह उसको उठा के जब अच्छे से वो फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के रख लें। आप इसको एक महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपी है ये, आप बच्चों के लिए बना सकते हैं और दावत के लिए बहुत अच्छी ये रेसिपी। आप इसको रात को तैयार करके रख सकते हैं और सुबह आप टाइम पे जस्ट इसको डिफ्रोस्ट करें और फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपकी क्विक से रेडी हो जाएगी। और चपली कबाब तो आई थिंक हर किसी का ही फेवरेट होता है, तो बहुत ही मज़ेदार सा एक न्यू रेसिपी जो है ना वो आपके मेन्यू में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे बस कबाब जो थे फ्राई हो रहे थे, देखें कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है, और ऑयल देखें बिल्कुल साफ़ है, कोई चीज़ इसके अंदर टूट के नहीं गई है, मतलब कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैंने इसमें कोई अंडा वगैरह शामिल नहीं किया, लेकिन जो मैंने आपके साथ सारी रेसिपी शेयर की है उसमें आपको बिल्कुल इस तरह से नो फेल वाले कबाब मिलेंगे। और देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, बिल्कुल अंदर तक ये टेंडर हो चुके हैं, और साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। इसके साथ इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा सैलड विद लेमन्स उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट ये कबाब बने। तो यहीं पे करूँगी मैं अपनी वीडियो को भी एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।